हेलो देयर, तो बहुत दिनों बाद वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो है किस बारे में, तो ये वीडियो है, आप दिल्ली के लड़के को तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मेंशन किया है, आईडी चेकआउट करें। तो ये वीडियो है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि, या आपको नहीं पता होगा, बता दे रहे हैं, दिल्ली के लड़के के चैनल पे पीसी का गिव अवे चल रहा है। तो पीसी का गिव अवे, मुझे पीसी क्यों चाहिए बताते हैं। तो मुझे पीसी इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा जो भी काम होता है सब इस मोबाइल में होता है, इसी से रिकॉर्ड होता है, इसी से एडिट होता है, और जिसके वजह से मेरे पास स्टोरेज बचता नहीं है। Here are the time lapses. तो 4-5 साल पहले ही मुझे पता चल गया था कि मुझे बनाने हैं YouTube वीडियोस, पर उस समय मेरे पास के पास था Android फ़ोन, और Android फ़ोन से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मिलती नहीं। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे चाहिए iPhone, तो घर वालों ने मना कर दिया, और 3-4 साल रुकने के बाद फाइनली iPhone ले लिया, जिससे मैं अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ। और iPhone लिए मुझे अभी शायद लगभग 1 साल हुए होंगे, पिछले साल लिया। तो सोचिए ये क्वालिटी आपको फ़ोन से मिल रही है, अगर PC रहा तो कैसा क्वालिटी होगा। खैर, इस चैलेंज से मेरा एक फ़ायदा तो होगा, व्यूज़ मिल जाएंगे और एक ब्लॉग भी बन जाएगा, तो भी ये भी ठीक है। तो सोचिए अगर एक क्रिएटर के पास पीसी हो तो क्या हो सकता है, बेटर सिनेमेटोग्राफी, और हाँ, मुझे सिनेमेटोग्राफी करनी है, बेटर एडिटिंग क्वालिटी, हर फाइल एक जगह रहेगी, कौन सी फाइल कहाँ है, SFX कहाँ है, साउंड इफेक्ट, म्यूज़िक, सब कहाँ चीज़ें एक पता होगा, स्टोरेज कैपेसिटी, तो बहुत से फ़ायदे हैं। तो सवाल ये आता है कि मुझे PC क्यों मिलना चाहिए, तो इस बात का इससे लेना है कि मुझे करनी है सिनेमेटोग्राफी, एकदम बढ़िया सीनेरियो रहे, सीन्स रहे, मतलब बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मुझे देनी है क्वालिटी, और जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका एक बैकअप रहे, फाइल जो मैं सेव करके रखूं ताकि फ्यूचर में कभी यूज कर लूं या बी-रोल बना सकूं। इसमें बी-रोल बनाने में भी दिक्कत होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दें। एज ए चैलेंज की तरह इस वीडियो को बना के बड़ा ही अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला और कुछ और अच्छे एडिटिंग सीखने को मिला, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करें, कितने दिन में प्रोजेक्ट बनाए। तो थैंक यू दिल्ली के लड़के, बहुत ही अच्छा चैलेंज था। बीच बीच में ऐसे ही चैलेंज, बिना किसी गिवअवे के भी कोई ऐसे चैलेंज लाया करो। वीडियो देख कर आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं अकेले में ही वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर, छुप छुप के। वैसे हम जो नए हैं उनको अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम मंजेश है और मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।